उदाहरण सात, एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। चूंकि ढाल बराबर y2 ऋण y1 / x2 ऋण x1, यानी दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर बटे दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर, यहां पर x1 y1 1, 2 से प्रदर्शित हो रहा है और x2 y2 5, 10 से प्रदर्शित हो रहा है, यानी y1 का मान 2 है और y2 का मान 10 है। इसलिए y2 ऋण y1 = हम लिखेंगे 10 ऋण 2। ठीक इसी तरह से x2 ऋण x1 की जगह हम लिखेंगे 5 ऋण 1। ऐसा करने पर हमें मिलेगा 10 ऋण 2 / 5 ऋण 1। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 8/4, जो बराबर होगा 2 के। तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा जो बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है, उसकी ढाल 2 है। उदाहरण 8, एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है, इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 हो। हल, रेखा पर स्थित पहला बिंदु 5, 7 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x 13 होंगे, इसलिए रेखा की ढाल बराबर दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर बटे दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर। चूंकि दोनों बिंदु क्रमशः 5, 7 और x 13 हैं, इसलिए इनके y निर्देशांकों का अंतर 13 ऋण 7 होगा और इसी तरह से इनके x निर्देशांकों का अंतर x ऋण 5 होगा। ऐसी स्थिति में हमें रेखा की ढाल मिलेगी 13 ऋण 7 / x ऋण 5। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 6/x ऋण 5। चूँकि प्रश्न में ढाल का मान 2/3 दिया हुआ है, तो हम 6/x ऋण 5 को 2/3 से बराबर करेंगे, तो हमें मिलेगा 6/x ऋण 5 = 2/3। इसे हम हल करें तो प्राप्त होगा 18 = 2 × x ऋण 5। इसे हल करने पर मिलेगा 18 = 2x ऋण 10, यानी x = 14। ढाल की तुलना, अभी आपने ढाल को किसी रेखा के अंतराल के दो बिंदुओं के निर्देशांकों के संदर्भ में देखा, आइए इसे एक अन्य संदर्भ में देखते हैं। एक घोड़ा गाड़ी और एक साइकिल किसी एक जगह से एक साथ चलना शुरू करते हैं और इनकी चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अलग अलग समय पर इनके द्वारा तय की गई दूरी को इस तालिका में देखा जा सकता है। तालिका देखिए, तय की गई दूरी, घोड़ा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। घोड़ा गाड़ी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो 15 मिनट में 3 किलोमीटर, 30 मिनट में 6 किलोमीटर और 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलेगी। इसी तरह साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 15 मिनट में 4 किलोमीटर, 30 मिनट में 8 किलोमीटर और 60 मिनट में 16 किलोमीटर होगी। समय और दूरी को निर्देशांक मानकर बनाए गए आलेख को ध्यान से देखें। रेखा OP साइकिल के और रेखा OQ घोड़ा गाड़ी के आलेख को प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं के अंतराल क्रमशः AB और CD हैं, इसलिए AB की ढाल बराबर 16 ऋण 8 / 60 ऋण 30, यानी बिंदु B और A के y निर्देशांकों का अंतर बटे इन्हीं बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर, यह हमें 16 ऋण 8 / 60 ऋण 30 के रूप में मिलता है। इसे हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा 8/30, यानी 4/15। ठीक इसी प्रकार CD की ढाल बराबर 12 ऋण 6 / 60 ऋण 30, इसे हल करने पर हमें मिलेगा 6/30,
यानी 3/15। अब आप दोनों ढालों की तुलना करिए, ए बी की ढाल और सी डी की ढाल। ए बी की ढाल 4/15 है और सी डी की ढाल 3/15 है। स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि 4/15 बड़ा है 3/15 से। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी की ढाल सी डी की ढाल से ज़्यादा है। अब ए बी की ढाल को समकोण त्रिभुज ए एम बी में देखिए। ए बी की ढाल बराबर 16:8/60:30 बराबर बी एम बटे ए एम, और ये बराबर होगा 10θ1 के। चूँकि कोण बी ए एम बराबर कोण बी ओ एक्स रेखा ओ पी के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण θ1 है। इसी तरह सी डी की ढाल बराबर 10θ2 जबकि θ2 ओ क्यू द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। आपने देखा कि किसी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण का टेंजेंट या उसके स्पर्शजा ही उस रेखा की ढाल है। स्पष्ट है कि कोण बढ़ने के साथ साथ ढाल भी बढ़ती जाती है। एक और बात यह देखी जा सकती है कि त्रिभुज ए एम बी में ए एम 30 मिनट के समय अंतराल को और बी एम इस 30 मिनट में चली गई 8 किलोमीटर की दूरी को बताता है तथा बी एम और ए एम का अनुपात साइकिल की चाल को बताता है। अतः हम देखते हैं कि यहाँ साइकिल की चाल उसकी रेखा की ढाल को व्यक्त करती है।